खबर टोहाना तो जिथे एक रेस्टोरेंट के बाहर गैंगस्टरों वालों ताबड़तोड़ फायरिंग की गई तो पलवल च ठेकेदार के दफ्तर के बाहर अणपछात्यां ने गोलियां चलाईयां। दोनों घटनावां दीआं सीसीटीवी सामने आईयां। मामला धमकी तो बाद रंगदारी नाल जुड़िया। रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग धमकी तो बाद चलाईयां गोलियां। बॉक्सर गैंग का कारा अणपछात्या ने किए फायर। आवाजाही जा रही है, रात का समय। यह बेखौफ तीन बदमाश बाइक से आते ने, जिन्हां दे विच एक बाइक तो उतरदा है ते रेस्टोरेंट के बाहर लगे बोर्ड से ताबड़तोड़ गोलियां चलाउंदा है। आराम दे नाल टिक्के गोलियां चला के फिर फरार हो जाता है। तस्वीर टोहाना के रेस्टोरेंट के बाहर दियां ने ते गुरगे बॉक्सर गैंग के दसे जा रहे ने। वो पहले भी 1 जनवरी को हुई थी वारदात, उसमें भी मांग रहे थे कि उसका हल नहीं किया तो वह तभी दोबारा फायरिंग करके गए। दरअसल बॉक्सर गैंग के नाम तो 11 महीने पहला एक धमकी आई थी ते हुण मुड़ फायरिंग की गई है। और मुड़ धमकी आई है जिस दे विच कहा गया है, पहला किते कांड का असर नहीं होया, जल्दी दसो सानू 50 लाख दियो, साडी इज्जत का सवाल है। जी, इसमें हमें कुछ लीड मिली है, हमारी टीम जॉब पे है और होपफुली इन लोगों को जल्दी हम लोग अप्रिहेंड कर लेंगे। हमारी कई टीमें हमने लगा दी हैं, सीआईए की पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम जो है, हमारी 4 टीमें हैं तो ईडी के पीछे लगी हुई हैं, साथ में हमारी पुलिस स्टेशन की टीम भी है और हम लोग बहुत होपफुल हैं कि जल्दी से जल्द हम इनको सबको आइडेंटिफाई करके काउंट अप कर लेंगे। तो दूजी तस्वीर हरियाणा के पलवल की है, जिथे शरेआम बदमाशा ने ठेकेदार के दफ्तर से गोलियां चलाईया ते गाली गलोच किया। दरअसल ठेकेदार तो 20 लाख रुपए की रंगदारी मंगी गई सी ते पैसे ना मिलन ते दफ्तर के बाहर गोलियां चला दित्तियां गईयां। फायरिंग वेले ऑफिस के अंदर ही ठेकेदार बैठा होया सी। गांव बडूकी में ऋषिराज नाम के व्यक्ति जिसका ऑफिस है मेन रोड के ऊपर, उसने शिकायत दर्ज कराई कि मेरे ऑफिस पर रात को 12-1 बजे के करीब 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने मेरे ऑफिस पर फायर किया जिसमें शीशे में गोली लगी और उन्होंने आकर के कंप्लेंट दी जो अननोन पर्सन के खिलाफ। क्या इसका कोई नाम कुछ पता लगा इसके बारे में? अभी वेरीफाई कर रहे हैं, उसको मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टोहाणा च हुई फायरिंग के बदमाश रेलवे स्टेशन के वाल फरार हुए ने। पुलिस दोवां मामलों च कार्रवाई कर रही है ते शिकायतकर्ता ने पुलिस तो सुरक्षा की मांग की है। टोहाणा तो परमजीत सिंह दे नाल पलवल तो ज्योति, न्यूज 18 पंजाब। ते खबर लुधियाणा तो, लुधियाणा बस स्टैंड के कोल जिसम फरोशी की आड़ हेठ लुट खोह का मामला सामने आया है। पीड़ित ने जो आरोपी की पहचान की तो उसने एक एक करके सारे राज खोल दिते। इस तो बाद बस स्टैंड से जम के ड्रामा होया। ये शख्स सैलरी लेके ड्यूटी तो वापस आ रहा है पर ऐतवार सवेरे हनेरे चे एक महिला ते उसके साथियों ने बस स्टैंड से उस तो 15,000 रुपए लुट ले। लुटन तो बाद दिन भर बस स्टैंड से ही भटकता रहा ते शाम नू महिला उत्थे ही नजर आई जिसनू लोगों ने घेर लिया ते पीड़ित ने मुलजम की पछाण का दावा किया। मुलजम महिला खुद नू निर्दोष दसती रही, हालांकि उसने होर साथियों के भी नाम दसे जिस तो बाद लोगों ने एक दूजी महिला नू फड़ लिया। उस वक्त उत्थे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, हालांकि मुलजम महिला किसी तरह अपना मुंह छुपा के उठ भज गई। सर बस स्टैंड दे विच वारा कुड़ियां बहुत घूमदियां ने, इन्हां दा प्रबंध किद्दां कीता जाऊगा? केवी ने परचे दित्ते आ, मैं बहुत 14-15 अंदर भेजियां ने। हां जी, बाकी जिहड़े रहिंदे कुछ आ बंदे कारवाई करके ने अंदर। थानक लोकां दे मुताबिक इलाके च जिस्म फरोशी दी आड़ च लुट खोह दी वारदात नूं अंजाम दित्ता जांदा है, अजिहे च सावधान रहण दी जरूरत है।
किसी भी अनजान शख्स से भरोसा ना करो, नहीं तो तुसी भी मुश्किल से फंस सकते हो। लुधियाना तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। तो खबर अमृतसर तो है, जिथे एक मामूली विवाद नूं लैके दो तिरां च विवाद हो गया, जिस दीआं तस्वीरां तुहानूं हैरान कर देणगीआं। खिड़कियां दा टुट्टिया होया कच, जिथे किथे विखरिया होया मलबा, बदहाल ड्राइंग रूम अते स्विच बोर्ड। एक घर बाबा दर्शन सिंह एवेन्यू दे मालक दलवीर सिंह अते बलबीर सिंह दा है। घर विच मची तबाही नूं वेख के लगता है कि इस घर ते गुंडे मवालियां दा हमला होया है। घर विच तबाही मचाण वाला होर कोई नहीं, सगो गुआंढ विच रहण वाला हरजिंदर सिंह दा बेटा राजा, सन्नी अते उन्हां दे साथी ने। सारा बवाल इसे सीवरेज नूं लैके होया सी। 12 दिसंबर नूं बलबीर सिंह अते हरजीत सिंह दे घर दे बाहर सीवरेज दा काम चल रहा सी। हरजिंदर सिंह ने उत्थे काम कर रहे मुलाजमां दे नाल बहस शुरू कर दित्ती ते जदों उन्हां नूं रोकिया गया तां उन्हां दे बेटा ने अपने 15 तों 20 साथियां नाल रल के घर ते हमला कर दित्ता। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਰੋੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਹੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 157 ਦੇ ਪਰੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹੇ ਭੇਜਿਆ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਖਬਰ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ, ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਲਿਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਚੀਕ ਚਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਧਨੌਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਚ ਹੋੜ ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾਚ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲਿਕ ਸਿੰਘ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਮਲਿਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਉਸਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਲਿਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਓ ਮੇਂ ਇਨਕੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ ਯਾਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕੂ ਮਾਰ ਦਿਆ ਜੀ, ਉਨਕੋ
मेरा दूसरा भतीजा है कमल, वो इनको ले आने के लिए जुंडला हॉस्पिटल में ला रहा था, तो पीछे से ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था सर, उनके ऊपर से निकल गया, तीनों के ऊपर से सर, जो ऑन द स्पॉट हो गए सर। और मैं तो सरकार प्रशासन से यही करूंगा, जो ये गांव में है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। दरअसल बांसा पिंड दे विच अजय दी कुछ नौजवानों दे नाल बहस हो गई सी, तो गल इन्नी वध गई कि नौजवानों ने अजय ते चाकू दे नाल हमला कर दिता। जख्मी अजय नूं बचाउण दे लई उसदे चचेरे दोवें भरा उस नूं बाइक ते हस्पताल लैके जा रहे सन। जिवें ओह करनाल असंद स्टेट हाईवे ते पहुंचे तां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक नूं टक्कर मार दिती। हादसे तों बाद ट्रक ड्राइवर मौके तों फरार हो गया। परिवारक मैंबरां ने दोषियों नूं सख्त तों सख्त सज़ा देण दी मंग कीती है। मेरे वाले लड़के उन्होंने शहर लेने खातर ले आए थे, एक छोटा बड़ा लड़का ये है मेरे साथ में, छोटा लड़का उसने मोटरसाइकिल पर ले रहा था, वो कड़ी जैसे ही वो जूंडला बांसा से जो हाईवे पे सड़क चढ़ती थी उससे जैसे ही करनाल की तरफ टर्न किया, तुरंत इधर से जाने वाले ट्रक ने उठा दिया उनको, तीनों के तीनों अपने अपने लपेट में लेकर तीन मैच। मृतक नौजवान आपस दे विच चचेरे भरा सन, जिन्हां दी उम्र 20 तों 22 साल दसी जा रही है। पुलिस ने ट्रक नूं कब्जे च लैके जांच शुरू कीती है। तीन लड़के बाइक पे उसे बांसा की तरफ से आ रहे थे, जैसे ही ये जुंडला कट के पास पहुंचे तो करनाल की तरफ से एक ट्रक जा रहा था और ट्रक से इनकी टक्कर हो। प्रशासन लगातार लोगों नूं ट्रैफिक नियमों की पालना करन अते रफ्तार ते काबू रखने की अपील करता है, पर इसके बावजूद सड़की हादसों दे विच कमी नहीं आ रही, नौजवान रफ्तार का शिकार हो रहे हैं। करनाल तो हिमांशु न्यूज 18 पंजाब। ते खबर कपूरथला तो, जिथे पुलिस ने अगवा की झूठी कहानी का पर्दाफाश किया। 36 साल के एक नौजवान ने परिवार की डांट तो बचत दे ली खुद के अगवा की एक झूठी साजिश रची सी। कपूरथला च नौजवान के अगवा के मामले दे विच हैरानीजनक खुलासे हुए ने। दरअसल ये कहानी कपूरथला के खेड़ा बेट पिंड की है, जिथे एक पिता ने अपने बेटे जसवंत सिंह की लापता होने की पुलिस नूं शिकायत दी। पिता ने पुलिस नूं दस्या कि उसके बेटे की कार सुरखपुर पिंड के कोल लावारिस हाल च मिली है, कार दे विच चाबी लगी हुई है, कार दे विच उसके बेटे का बूट भी पिया। पुलिस ने पिता की शिकायत से केस दर्ज करके जांच शुरू की, तो पुलिस की टीम ने उत्थों सीसीटीवी फुटेज खंगाली। कॉल लोकेशन और तकनीकी जांच तो बाद पुलिस ने जसवंत सिंह नूं नवांशहर के बंगा खेतर तो बरामद कर लिया। पुलिस ने जसवंत सिंह तो पुछगिछ की है, तो उसने दसिया कि उन्हें अपने परिवार की डांट तो बचने लई एक खुद अगवा की झूठी कहानी रची सी। पुलिस ने जसवंत सिंह नूं उसके परिवार के हवाले कर दिता है। फैमिली ने दे बयाना दे उते सी स्विफ्टली काम करते हुए परचा दर्ज किया सी अंडर सैक्शन 365 ऑफ आईपीसी दैट इज अबडक्शन, ते नाल दे नाल ही असीं अपनी टैक्नीकल टीम नूं काम उते लगा के उन्हां दे सीसीटीवी कैमराज चैक किए सी, उन्हां दी सीडीआर देखियां सी, उन्हां दी लास्ट लोकेशन वगैरह चैक कीतियां। इन द मीन टाइम यह मामला जिहड़ा शक्की जापदा सीगा, इस करके असीं इहनूं बड़ी डूंघाई दे नाल तफतीश कर रहे सीगे। दौरानी तफतीश सानूं इक होर नंबर मिलिया, जो कि उह लड़के ने नवां परचेज किया सी जलंधर तों। जदों उहदी असीं लोकेशन लई गई तां उह लोकेशन जिहड़ी सीगी साडी बंगिया दे कोले आई। असीं अपनी टीम्स जिहड़ियां अलग अलग टीम्स बना के अपनियां बंगा रवाना कीतियां, लड़के नूं सही सलामत हालत दे विच उत्थों रिकवर कीता। अगवा दी झूठी कहानी रच के पुलिस नूं गुमराह करन वाले जसवंत सिंह दे खिलाफ पुलिस कार्रवाई करन दी तैयारी दे विच है। कपूरथला तों संदीप ओबराय न्यूज 18 पंजाब। ते खबर जो मुद्दा बने च वेला हो गया न्यूज राउंडअप दा। मानसा च मां ती ठगी का हो शिकार, एटीएम कार्ड बदल के नौसरबाज ने की लखां की ठगी, कार्ड बदल के 4,85,000 रुपए कढ़वाए, सीसीटीवी तस्वीर आई सन। बरनाला च निजी अस्पताल के बाहर होया हंगामा, नवजमे बच्चे की मौत तो बाद परिवारिक मैंबरों ने अस्पताल प्रशासन से लाए इल्जाम, क्या डिलीवरी ले लिया, जच्चा इलाज लिया मना, तो सरकारी अस्पताल जाते समय हुई बच्चे की मौत। महाराष्ट्र के पुणे च वापरिया भयानक दर्दनाक हादसा, हादसे च 8 लोगों की मौत, अहमदनगर कल्याण हाईवे से पिकअप वैन से ट्रक की हुई सी जोरदार टक्कर। करनाल के कुंजपुरा के शख्स की भेदभरे हालात च मौत, परिवार ने सहुरा परिवार से लाए कतल के इल्जाम, शख्स वजीर 2 साल तो पेके रह रही पत्नी नूं लैण गया सी वापस, सहुरे घर तो लाश प्राप्त। लुधियाणा च पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर हंगामा, दरखास्त देन पहुंचे जोड़े ने कहा नहीं हो रही कार्रवाई, हंगामे तो बाद मौके पर पहुंचे सीनियर अधिकारी।
चंडीगढ़ पुलिस ने किया पर्दाफाश। फूड डिलीवरी करने वाला शख्स हैरोइन समेत काबू सेक्टर 25 की नाकेबंदी वेख के भज रहा सी। शख्स मौके पर किया काबू। यूपी के आगरा तो दिल दहलाने वाला मामला। पत्नी ने सुते पे पति के हाथ पैर बन के लाया करंट। पति का किया कतल। पति पत्नी पत्नी पति की शराब पीने की आदत तो सी परेशान। पानीपत नौवीं क्लास की 14 साल विद्यार्थन ने सल्फास खा के की खुदकुशी। मनचलिया की ब्लैकमेलिंग तो सी परेशान। विद्यार्थन की स्कूल आने जान की वीडियो बना के एडिट कर बनाया सी अश्लील प्रोफाइल। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की शुरू। लुधियाना पिटबुल ने महिला से किया हमला। 15 मिनट तक वढ़ता रहा पिटबुल। बाहां लत्तां समेत 12 थावां ते मारे दंद। लुधियाना के किदवई नगर का मामला। कुत्ते के मालकां ने मंगी माफी।